close till I get up. Time is barely on our side. Hello. Good morning, everyone. I am Anirudh Kumar Maurya. आज आप लोगों को क्लास फोर्थ में एक्सरसाइज 5.6 बताएंगे, जिसमें क्या चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पहले वाले वीडियो में हो चुके हैं। आज आप लोगों को क्या बताने वाले हैं, आज आप लोगों को हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और किस तरीके से करने का इनको प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके से होंगे। ठीक है, तो द डिस्टेंस कवर्ड बाई अ कार इन 9 आवर्स, यानी एक कार है, कार के द्वारा चली गई दूरी, यानी कार है, कार के द्वारा चली गई दूरी कि एक कार 9 घंटे में कितने किलोमीटर जा रही है, 405 किलोमीटर जा रही है। एक कार 9 हॉर्स इज ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस कवर्ड बाय 405 किलोमीटर। ठीक, कार के द्वारा। और दूसरी क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस इट कवर्ड बाय कार इन 5 हॉर्स, तो वही कार 5 घंटों में कितनी दूरी चलेगी। ठीक है, तो सोल्यूशन करते हैं। क्या सोल्यूशन है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार, यहां पर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन 9 आवर्स। 9 आवर्स में कितना कर रही है, तो 405 किलोमीटर। ठीक है, 405 किलोमीटर। अब हम एक का निकाल लें, तो डिस्टेंस एक का निकाल लेंगे तभी हम 5 का निकाल पाएंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार, यानी कार के द्वारा चली गई दूरी इन 1 आवर। ठीक, कितना जाएगी, तो 405 को किससे डिवाइड कराएंगे, 9 से। और जब हम इसको क्या कराएंगे, 9 से डिवाइड कराएंगे। अब 9 से डिवाइड कराना है तो आप डिवाइड करा लीजिए। ठीक, 9, 4, 5, तो 9, 8 जा, बोलो ज़्यादा हो जाएगा, 9, 8 जा नहीं जाएगा, कितना जाएगा, 4 जा 9, 4 जा 36, कितना बचेगा, 4, अगला 5 ताले। ठीक है, तो 9, 5 जा, कितना हो जाएगा, 45, ये क्रॉस। ठीक, तो कितना आ गया हमारा, तो 45 किलोमीटर। मीन्स क्या हो गया कि एक घंटे में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना कवर करेगा, तो एक घंटे में 45 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमको निकालना कितना है, 5 का, तो डिस्टेंस कवर बाय अ कार इन 5 आवर्स, तो 5 घंटे में कितना चलेगा, तो 5 से क्या करा दीजिए इसको, 35 को मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 5 × 45, तो 5 × 5 = 25, कितना बचेगा, 2, और 5 × 4 = 20, 20, और इधर क्या हो जाएगा, 2, तो 22, यानी कितना हो जाएगा, तो ये 225 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक, 5 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा, 225 किलोमीटर वो कार चलेगी। तो हैंस द, लिखना चाहो तो लिख लो, वही लाइन लिखनी होती है, हैंस द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन 5 आवर्स इज 225 किलोमीटर। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन हम राइट करेंगे, एक क्वेश्चन और लेकर के चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। फोर्थ के बाद हम क्वेश्चन नंबर सीधे 8 बताएंगे, बाकी के हो सकता है सिमिलर क्वेश्चन हो, तो इसलिए हम सारे क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। ठीक है, बाकी के हो सकता है सिमिलर क्वेश्चन हो, तो इसीलिए हम सारे क्वेश्चन बताना उसे नहीं समझ रहे हैं, जो बताने लायक है उनको हम सब बता देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या है, कौन सा लेना है हमको, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ
5 packets, if 5 packets of chips, if 5 packets of chips cost कितना है, तो 240 रुपीज। ठीक, तो फाइंड द कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 पैकेट्स, 7 पैकेट्स ऑफ चिप्स, 7 पैकेट्स ऑफ चिप्स। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताना है क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, कैसे होगा। तो इफ द 5 पैकेट्स ऑफ चिप्स कॉस्ट 240 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 पैकेट्स ऑफ चिप्स, यानी 5 चिप्स के पैकेट का प्राइस कितना है, 240 रुपए। तो 7 पैकेट्स का प्राइस बताना है। ठीक है, तो सोल्यूशन आ जाते हैं। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 5 पैकेट्स, कॉस्ट ऑफ 5 पैकेट्स ऑफ चिप्स, कॉस्ट ऑफ 5 पैकेट्स चिप्स, कॉस्ट ऑफ 5 पैकेट्स ऑफ चिप्स इज इक्वल टू कितना है, तो 240 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट चिप्स, कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट का निकाल लेते हैं, 1 पैकेट चिप्स कितना, 240 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 5। जब इसको डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा, डिवाइड करा के देख लो, तो 240, 5 फोर जा 20, इधर बच्चा 4, और ये 0 क्या कर लिया गया, राइट कर लिया गया, 5 एट जा 40, कितना आ गया, तो ये हमारा आया 48। ठीक, कितना आ गया, 48 रुपीज़। यानी एक पैकेट कितने का है, 48 रुपीज़ का है, निकालना कितना है, तो कॉस्ट ऑफ कितने पैकेट्स, कॉस्ट ऑफ 7 पैकेट्स ऑफ चिप्स, 7 पैकेट्स ऑफ चिप्स कितना हो जाएगा, तो इसको 7 × 48 करा दीजिए, तो 7 × 48 कराएंगे कितना आएगा, जब इसको मल्टीप्लाई, 8 × 7 = 56, कैरी 5, 7 × 4 = 28 और 5 कितना हो जाएगा, 33, यानी 336 रुपीज़। ठीक है, तो यही एक क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लिख भी सकते हैं हैंस ऑफ, या हैंस द कॉस्ट ऑफ 7 पैकेट ऑफ चिप्स इज 336 रुपीज। ठीक, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ये वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, और साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करें। रेड वाला बटन दबाना बिल्कुल कतई मत भूलिएगा। थैंक यू, ऑल ऑफ यू। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अनिरुद्ध कुमार मौर्य। आज आप लोगों को क्लास 7th में एक्सरसाइज 5.1 बताया। 5.1 में कुछ क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, आपको उसमें हमने क्या क्या चीज़ें बताई।